हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक स्टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स और सुपर हीरो से रिलेटेड ढेर सारी बातें। दोस्तों, आज हम असराज की पिछली वीडियो में हमने जहां उसकी इच्छाधारी शक्ति के बारे में बात करी थी और साथ ही अगली बार असराज के विलक्षण पंचाश्व के बारे में बताने का वादा भी किया था। दोस्तों, आज वक्त है उस वादे को निभाने का। आज की इस वीडियो में हम असराज के साथ ही पंचाश्व की कहानी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, और ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, असराज के पंचाश्व को वैसे तो सबसे पहले असराज की पहली ही कॉमिक्स इशू नंबर 364 असराज कॉमिक्स में देखा गया था, लेकिन इनकी ओरिजिन स्टोरी बताई गई थी इशू नंबर 427 अश्वखोर कॉमिक्स में। मनीष गुप्ता के संपादन में इस कॉमिक्स में लेखन था मीनू वाही जी का। प्रताप मलिक के कलर डिसेंशन में चित्रांकन किया था चंदू और कांबले जी ने। तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब अश्वलोक में अश्वराज के पास 5 घोड़ों का रथ नहीं था, यानी कि कह सकते हैं अश्वराज और तूता बूता वाले इंसिडेंट के बाद से यह कहानी शुरू होती है। उस समय अश्वलोक में अश्वखोर्राट नामक अश्वखोर लुटेरे का आतंक था। वह जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ दरंदगी के निशान छोड़ता जाता था और कुछ बचा भी तो था नहीं उससे। धीरे धीरे अश्वखोर्राट का आतंक पूरे अश्वलोक में फैल गया। इसके बाद अश्वकोष्ठ नामक नगरी का सेना नायक रक्तांबर, अश्वलीत का सेना नायक कालाखोर, अश्वांधरी का राजकुमार अश्ववट, नीली घाटी का राजा नीलकंठ, अश्वोक का महाबली श्रव्य शक्ति, पांचों विलक्षण सेना नायक अपनी सेना के साथ एक साथ मिलकर अश्वखोर को खोजने निकल पड़ते हैं। पांचों की विशेषताएं भी विलक्षण थी। रक्तांबर जहाँ मीलों दूर तक देख सकता था, कालाखोर संकट के क्षणों को सूंघ सकता था, अश्ववट पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की भाषा को समझ सकता था और श्रव्य शक्ति मीलों दूर तक सुन सकता था। इसके साथ ही नीलकंठ में अद्भुत बौद्धिक क्षमता थी, लेकिन ये सभी विशेषताएं अश्वखुर्राट के सामने बोनी साबित हुई। अश्वखुर्राट की दरिंदगी सेना ने सभी पाँचों की विशाल सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। अंत में पाँचों को अश्वखुर्राट द्वारा बंदी बना लिया गया। इसके बाद इन पांचों को मुक्त कराने निकल पड़ा अश्वलोक का महाबली विलक्षण अश्वमानव इच्छाधारी अश्वराज। इस बीच चंद्रवंशी सम्राट अश्वांतक ने अश्वराज को मारने की असफल कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद भी इस तरह की सभी मुसीबतों को पार कर वह अश्वखुर्राट के गढ़ पर पहुंच गया। दरिंदे अश्वखुर्राट और उसकी घातक सेना इच्छाधारी अश्वराज के सामने टिक नहीं पाए और अंत में मौत के घाट पर उतार दिए गए। लेकिन एक हादसे में कालाखोर श्रव्य शक्ति नीलकंठ और रक्तांबल की बोलने की क्षमता नहीं रही। इस हादसे और साथ ही अश्वखुर्राट से मिली हार से व्यथित होकर पांचों ने प्राण त्यागने का निश्चय किया, लेकिन अश्वराज ने उन्हें अश्वरूप में अपने साथ रहने का सुझाव दिया। इसके बाद वह समय समय पर अश्वता की रक्षा में अश्वराज की मदद करते रहे। इस तरह हर संकट की घड़ी में वह अश्वराज की मदद करते और अश्वराज को पहले जन्म से लेकर दूसरे जन्म में भी उन्होंने अश्वराज का कदम से कदम मिलाकर खतरों का सामना किया। इसके बाद समय गुजरा और इशू नंबर 554 अश्वराज और अश्वबाज नामक कॉमिक्स में सभी पंचाश्व अश्वराज से बिछड़ कर आज के आधुनिक युग कलयुग में आ पहुँचे। अश्वराज ने सभी को वापस इकट्ठा किया, लेकिन शैतान अश्वबाज के आक्रमण से अश्वराज घातक विष के चपेट में आ गया। इस विष से बचाव के लिए पंचाश्व ने न सिर्फ अमृतांजन प्राप्त किया बल्कि अपने प्राणों का बलिदान भी किया। इशू नंबर 554 अश्वराज और अश्वबाज से लेकर इशू नंबर 677 हम 5 कॉमिक्स में ये सारी कहानी बताई गई है। तो दोस्तों, इसलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वर्तमान समय में यानी कि सर्वनायक सीरीज में अश्वराज बिना पंचाश्व के दिखाई दिया था। तो दोस्तों, ये थी अश्वराज की पंचाश्व शक्ति के बारे में अब तक की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
और भी ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।